क्या आप जानते हैं कि स्वस्थ और स्वच्छ जीवन का रहस्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति आखिर कैसे खुश रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमेशा फुर्तीला कैसे रह सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त कैसे हो सकता है? आइए आज इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज के इस चर्चा में हम सभी जानेंगे स्वच्छ जीवन के, स्वस्थ जीवन के और आनंदमय जीवन के 10 बिंदु। इस 10 बिंदुओं पर आप अपने जीवन को उतारिए, आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले से बेहतर हो चुका है। आइए, प्यास लगे अथवा ना लगे, दिन भर में कम से कम आप 2 लीटर पानी अवश्य पिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमेशा पानी पीते रहें, इससे आपके शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होगी। दूसरा, अपने शरीर को हमेशा हिलाते रहें, अर्थात अपने शरीर से कुछ न कुछ काम करते रहें। अपने शरीर को स्थिर ना रखें, आलस्य से बाहर निकलकर अपने आप को फुर्तीला बनाइए और अपने शरीर से काम लीजिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु, इच्छा के अनुसार कम भोजन करें, अर्थात आपकी इच्छा जितनी भोजन करने की हो उससे कम भोजन करें। ख्याल रखें कि आपके खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि मौजूद हो, क्योंकि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आवश्यकता भरपूर मात्रा में चाहिए होती है। साथ ही साथ अपने भोजन में सलाद को शामिल कीजिए। चौथा, जितना हो सके कम से कम वाहन का प्रयोग करें, यदि आवश्यक ना हो तो वाहन का प्रयोग ना करें, पैदल चलने की कोशिश करें। अपने शरीर को हमेशा हेल्दी बनाने के लिए पैदल चलना एक अच्छा एक्सरसाइज है, या आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, यानी तैराकी करने से भी आपका शरीर स्वस्थ बनता है। पांचवा, क्रोध को त्याग कर, चिंता को छोड़कर अपने मौज में रहिए, हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिए। बेवजह अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, किसी से बेवजह अधिक उम्मीद मत लगाइए। छठा, सबसे पहले पैसे का मोह छोड़ दें, अपने आसपास के लोगों से खूब मिले, खूब हंसे बोले और मिलजुल कर रहें। पैसा जीने के लिए है, न कि जीवन पैसे के लिए। सातवां सुझाव, अपने आप के लिए किसी तरह का अफसोस महसूस न करें, न ही किसी ऐसी चीज पर जिसे आप हासिल ना कर सकें, और न ही ऐसी किसी चीज पर जिसे आप अपना नहीं सके, इसे अनदेखा करें और भूल जाएं। आठवां सुझाव, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सुंदरता, जाति की ठसक और प्रभाव, ये सभी चीजें हैं जो अहंकार से भर देती हैं। विनम्रता वह चीज है जो लोगों को प्यार से आपके करीब लाती है, इसलिए अपने आप में विनम्रता का भाव लाएं। गुस्सा को त्याग दें, अपने आप के घमंड को त्याग दें, आप जीवन को स्वयं देखेंगे कि आपका जीवन बेहतर हो चला है। नौवां सुझाव, अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है, यह एक बेहतर जीवन की शुरुआत हो चुकी है। आशावादी बनो, याद के साथ जियो, यात्रा करो, आनंद लो और अपने सीने में, अपने मन मस्तिष्क में यादों को पिरोइए। और अंतिम दसवां सुझाव, अपने से छोटे से भी प्रेम, सहानुभूति और अपनेपन से मिले, कोई व्यंग्यात्मक बात न कहें, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखें। अतीत में आप चाहे कितने भी बड़े पद पर हों, वर्तमान में उसे भूल जाएं और सबसे मिलजुल कर रहें। यही एक स्वच्छ और बेहतर जीवन का रहस्य है। यदि आप इस 10 बिंदुओं पर कार्य करते हैं और अपने आप में बदलाव लाते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले से बेहतर हो चुका है। गुस्से को त्याग कर विनम्रता के साथ जीना सीखिए, अहंकार को त्याग कर शांतिपूर्वक सबसे विनम्रता से मिलिए, अपने आप में बेहतर आप पाएंगे।